नमस्कार। आज का हमारा इस सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवाद के प्रकार पर। अभी इससे पहले के सत्र में हमने जब इस पर चर्चा की थी तो हमने अनुवाद के प्रकार के एक अलग हिस्से पर चर्चा की थी, और अब दूसरे सत्र में हम उसके अगले हिस्से पर यानी कि विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की चर्चा करेंगे। से पहले के वाले सत्र में हमने अनुवाद के प्रकारों पर चर्चा करते समय अनुवाद के वर्गीकरण प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर चर्चा की थी, और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम इसके अगले खंड यानी विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसे कि शुरुआत में भी जिक्र किया जा चुका है कि अनुवाद जो है वास्तव में लंबे समय से भारत में और भारत विश्व में भी होते रहे हैं, और हमारे सामने जो भी विश्व भर का साहित्य है, चाहे वे ज्ञानात्मक साहित्य हो या अन्य विधाओं का साहित्य, साहित्य या साहित्येतर विधाओं का साहित्य हो, वे सभी का सभी साहित्य है जिसके माध्यम से हम वर्षों से समृद्ध होते आए हैं, वे अनुवाद के माध्यम से ही होता रहा है। अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, ये अनुवाद के जब किसी पाठ का अनुवाद किया जाता है तो उससे पहले अनुवादकों द्वारा या अनुवाद चिंतकों द्वारा उसके बारे में, या कहा जाए कि जब अनुवाद किया जाता है किसी पाठ का, तब उससे पहले उसके प्रकार पर चर्चा होती है कि किस प्रकार से या किस विधागत तरीके से या किस स्ट्रैटेजी से, किस पद्धति से अनुवाद किया जाएगा। हम अनुवाद के प्रकार के इस सत्र में अलग अलग खंडों पर बात करेंगे, और इस सत्र में जैसे मैंने कहा कि विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अनुवाद के जो प्रकार हैं वो गिनती में कुछ एक ही हैं, लेकिन जब इसे अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग आधारों पर जब बांट के देखा जाता है तो ये वर्गीकरण के आधार पर, विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर किस प्रकार उसे अलग अलग खंडों में रख के देखा जाता है, और किस तरह ये अनुवाद के प्रकार अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अनुवाद के ये विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, विधा के अनुवाद आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार किस प्रकार सहायक हैं, और किस प्रकार क्या इनकी अनुवाद के क्षेत्र में इनका महत्व और इनकी उपयोगिता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवाद प्रकार विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर। इसके चार मुख्य आधार हैं, गद्य और पद्य के आधार पर, दूसरा है साहित्यिक विधा के आधार पर, तीसरा है विषय के आधार पर, और चौथा है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गद्य और पद्य के आधार पर। गद्य और पद्य के आधार पर हम सभी जानते हैं गद्य और पद्य से क्या संदर्भ है। गद्य का अर्थ होता है जब कोई पाठ प्रोज में लिखा जाता है, यानी रनिंग टेक्स्ट में या रनिंग भाषा में जिस टेक्स्ट को लिखा जाता है उसे हम गद्य का पाठ कहते हैं या गद्य कहते हैं। और पद्य का अर्थ होता है जब उस पाठ में एक खास तरह की लय हो, इसमें एक खास आरोह अवरोह हो, उसका अपना एक नाच सौंदर्य हो, उसकी भाषा में एक कल्पनाशीलता हो, या कहा जाए कि वो तुकांत भी होता है, कई बार अतुकांत या जिसे कहा जाए कि मुक्त छंद भी होता है। तो जब अनुवाद को विधा एवं प्रकृति के आधार पर जब विभिन्न खंडों में बांट के देखा जाता है तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं गद्य और पद्य के आधार पर किए जा रहे अनुवादों की। गद्य और पद्य के आधार पर अनुवाद तीन प्रकार से होता है, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। तो जैसे कि पहला है गद्यानुवाद, तो गद्यानुवाद से हमारा संदर्भ है जब, इसमें हम दोनों ही संदर्भों को देख सकते हैं, जब एक गद्य के पाठ का अनुवाद गद्य में किया जाए, यानी कोई प्रोज का अनुवाद प्रोज में ही किया जाए, और उसके अलावा जब पद्य के पाठ का अनुवाद गद्य में किया जाए। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की कि आंध्र रेफेवेयर जब कविता के अनुवाद की जो अपनी छः स्ट्रैटेजीज या छः जो रणनीतियाँ गिनवाते हैं उसमें से एक में वे ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्स इंटू प्रोज, यानी कि वर्स से प्रोस में भी जब अनुवाद किया जाता है तो वो भी एक तरह से कविता के अनुवाद के संदर्भ में वो उसकी चर्चा करते हैं, जब हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उस पाठ का अनुवाद करना चाहते हैं, चाहे उसकी शैली का अनुवाद हो पाए या ना हो पाए। तो इसे हम गद्यानुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं, जब एक पाठ को गद्य से गद्य में अनुवाद किया जाता है। जैसे बहुत सारे रचनाएं हमने पढ़ी हैं, बहुत सारा साहित्य हमने पढ़ा है, जैसे ज्ञानात्मक साहित्य की बात की जाए तो वो गद्य का अनुवाद गद्य में ही किया जाता है, लेकिन साहित्य के अनुवाद में हमारे पास दोनों तरह की छूट होती है। हम चाहें तो पद्य का अनुवाद गद्य में भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा साहित्य जिसका कि हमें अनुवाद की ज़रूरत महसूस हुई और हमें महसूस किया कि उसकी शैली बहुत डिफ़िकल्ट है, या कहा जाए कि उसका जो शिल्प है वो ऐसा है जिसका अनुवाद संभव नहीं है, या समय के अनुसार उसका शिल्प बदल गया है और उसके अनुवाद की
जरूरत इतनी अधिक है कि उसका अनुवाद किया जाना आवश्यक है। इस तरह के अनुवाद में हम पद्य का गद्य में भी अनुवाद करते हैं। और गद्य का अनुवाद, जैसे मैंने कहा, गद्य का गद्य में अनुवाद, जैसे कि हमने चेखव की कहानियाँ पढ़ी हैं, या हमने हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा है, जैनेन्द्र को पढ़ा है, या बहुत सारे विभिन्न रचनाकार को जो हमने पढ़ा है, वो जो जिस माध्यम से हमने पढ़ा है उसे हम उस संदर्भ में समझ सकते हैं। पद्यानुवाद यानी जब पद्य का अनुवाद पद्य में किया जाए, और कई बार गद्य का अनुवाद पद्य में भी किया जाता है। पद्य अनुवाद की जो सबसे बड़ी जो कहा जा सकता है कि उसकी सीमा और शक्ति ये है, शक्ति की अगर हम बात करें तो जब हम किसी पद्य का अनुवाद पद्य में करते हैं, जैसे अगर हम कहें कि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद जब फिजराल्ड ने किया, या उमर खयाम की ही रुबाइयों का अनुवाद अगर हम अनुवाद के संदर्भ में समझें तो मधुशाला के रूप में हरिवंश राय बच्चन ने किया, तो वो पद्य का अनुवाद पद्य में ही था, लेकिन वहाँ पर एक अलग तरह की छूट ली गई जहाँ उसके शिल्प में परिवर्तन किया गया। तो जब हम पद्य का अनुवाद पद्य में करते हैं तब उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है या उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वह यह है कि जिस फॉर्म में वो साहित्य मूल में उपलब्ध था उसी फॉर्म में वे अपने पाठकों या नए लक्ष्य पाठक तक पहुंचता है, और उसका वही आस्वाद लिया जा सकता है जो कि उसमें पहले लिया जाता रहा है, या जिस तरीके से वो अपने समाज को प्रभावित करता रहा है। इस तरीके से अगर हम कहें तो इसमें भी दो तरीके को देखा जा सकता है। हम नीचे देख रहे हैं जो तीसरा प्रकार है गद्य पद्य के अनुवाद के संदर्भ में, वह है मुक्त छंदानुवाद। पर उससे पहले मैं पद्यानुवाद के संदर्भ में अगर चर्चा करूँ तो पद्यानुवाद में भी दोनों तरीके से अनुवाद किया जाता है। अगर कोई कविता छंदबद्ध कविता है और छंदबद्ध कविता का छंदबद्ध तरीके से ही अनुवाद किया जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि छंदानुवाद। और दूसरा कहा जा सकता है जब हम एक छंदबद्ध कविता का अनुवाद समय के परिवर्तन के कारण या शिल्प परिवर्तन के कारण, या कहा जा सके अनुवाद में अनुवादक की अपनी सीमाओं के कारण या अनुवादिता के कारण, अगर उसके शिल्प को अगर हम या उसके पद्य की व्यवस्था को या उसके छंद को अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें तुकांत अनुवाद या छंद मुक्त अनुवाद भी कर देते हैं। तो उसे हम पद्यानुवाद के अंतर्गत देख सकते हैं जब हम एक पाठ का किसी कविता का दो तरीके से अनुवाद करें, या तो उसका छंदबद्ध तरीके से या दूसरा छंद मुक्त तरीके से, या फिर एक जो अन्य हमने कहा कि कोई गद्य रचना का अनुवाद पद्य में किया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार है। अब इस तरह के प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं जब किसी कहानी से प्रभावित होकर किसी ने उस पर कविता लिखती, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम जेकबसन के संदर्भ में कहें तो वो अन्वयांतर भी है, एक ही भाषा में किया गया दो केवल शिल्प के आधार पर भिन्नता, यह कहा जाए कि विधा के आधार पर भिन्नता का अनुवाद है। और दूसरे संदर्भ में अगर इसे देखें तो वो पद्यानुवाद के संदर्भ में भी देखा जा सकता है जब आप किसी कहानी को से इतने अधिक प्रभावित या इतने ज़्यादा आप मूव हो जाते हैं कि आप उस पर एक कविता लिख देते हैं, तो वो एक पद्यानुवाद का ही उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण, क्योंकि हम यहाँ साहित्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं गद्य और पद्य के संदर्भ में, तो तीसरा है मुक्त छंदानुवाद। ये फिर उसी तरीके से जैसे मैंने पद्यानुवाद के संदर्भ में जिसका जिक्र किया, जब कोई कविता या कोई कहानी या कोई रचना जिस फॉर्म में है उसके फॉर्म को बदलते हुए उसे छंद मुक्त करके उसका अनुवाद कर देना, उसे हम मुक्त छंदानुवाद कहते हैं। जैसे किसी कविता को, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एजरा पाउंड ने जब चाइनीज कविताओं को जब अनुवाद किया तो उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बात की, और उन्होंने मेटापोइया, लोगोपोइया और एक फोनोपोइया तीनों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अनुवाद करते समय अगर लोगोपोइया यानी कि उसका जो बुद्धि तत्व है अनुवाद में, कविता का अनुवाद में, अगर वह भी बच जाता है तब भी वह अनुवाद है। तो इस तरीके से अनुवाद को लेकर या अनुवाद की प्रक्रिया को लेकर या प्रकारों को लेकर जो हमें परिवर्तन लगातार विभिन्न चिंतकों या अनुवादकों में देखने को मिलता है, वे उनकी उस पाठ को देखने की उनकी अपनी नज़र या उनके अपने नज़रिए से भी निर्मित होता है। जैसे मैंने अभी एजरा पाउंड के संदर्भ में आपसे जिक्र किया कि मुक्त छंदानुवाद के संदर्भ में जब वे कहते हैं, वो मूलतः मुक्त छंदानुवाद के संदर्भ में न कहकर कविता के अनुवाद के संदर्भ में अपने लेख हाउ टू रीड अ पोएम में लिखते हैं कि अनुवाद करते समय अगर कविता के अनुवाद में तीनों में से अगर उसका एक तत्व यानी अंतिम तत्व लोगोपोइया यानी उसका जो कंटेंट है वो भी बच जाता है तो वह भी अनुवाद है। तो इस तरह से कविता के अनुवाद के साथ संदर्भ में जब अनुवाद
दो अलग अलग कालखंडों के बीच में किया जा रहा है, और खासतौर पर जब हम मैंने अज़रा पाउंड का जिक्र किया तो वो 8वीं सदी के कवियों का अनुवाद बैठकर 19वीं सदी में कर रहे हैं या 18वीं सदी में कर रहे हैं, तो उस एक पूरा एक लंबा कालखंड बीतने बीत जाता है जिसमें शाब्दिक परिवर्तन, शिल्पगत परिवर्तन भी हो जाते हैं, भाषा का व्यवहार बदल जाता है, भाषा के शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो इस तरीके से जब अनुवाद करना इतना अनिवार्य हो या इतना ज़रूरी हो कि उसका अनुवाद ज़रूरी है, उसका किया जाना है और उसका शिल्प हमारा साथ नहीं दे रहा, तो इस तरह की स्थिति में हम मुक्त छंदानुवाद का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें हम कविता को उसके शिल्प से बदल के उसे मुक्त छंद करके उसे एक नए फॉर्म में भी लिखते हैं या उसका अनुवाद करते हैं। मुक्त छंदानुवाद के संदर्भ में हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जब कोई पद्य कविता का अनुवाद गद्य कविता में कर दिया जाए, और हम जानते हैं कि पद्य कविता और गद्य कविता, जब कोई कविता का जो गद्य कविता है मूलतः उसमें भाषाई तो भाषा तो काव्यगत है लेकिन उसका जो शिल्प है वो गद्य का शिल्प है, तो जब इस तरह का उद्देश्य हो कवि के सामने या अनुवादक या अनुवादिका के सामने, तब वे अनुवाद करते समय इन विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं अनुवाद के दौरान। तो इसे हम गद्य और पद्य के आधार पर, जैसे हमने इसका जिक्र किया, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। दूसरा है साहित्यिक विधा के आधार पर किए गए अनुवाद। हमारा जो साहित्य है सृजनात्मक साहित्य, और जब हम साहित्य की यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो हमने इसे तीन मूल कैटेगरीज में बांट कर देखा है, काव्यानुवाद, कथा अनुवाद और नाटकानुवाद। जैसा कि काव्यानुवाद का की जो चर्चा अगर करें तो काव्यानुवाद, कथानुवाद और कथानुवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो मूलतः इसमें कहानी और उपन्यास दोनों की चर्चा है, और जब यहाँ साहित्य के अनुवाद की बात की जा रही है तो देखिए हम देखेंगे यहाँ कि इसमें तीनों सृजनात्मक विधाओं का जिक्र किया गया है, साहित्येतर विधाओं का की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो काव्यानुवाद को लेकर जो तीन प्रकार हैं ये बिल्कुल साहित्य की विधा के अनुवाद के आधार पर ही उसकी चर्चा यहाँ पर है, और काव्यानुवाद जैसा मैंने भी पीछे भी जिक्र किया पद्यानुवाद के संदर्भ में या मुक्त छंदानुवाद के संदर्भ में, काव्यानुवाद को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि काव्य के अनुवाद को लेकर विभिन्न चिंतकों ने अलग अलग रणनीतियों का जिक्र किया है। जैसे मैंने इससे पहले एज़रा पाउंड का जिक्र किया, अगर हम मैथ्यू अर्नोल्ड का जिक्र करें जिन्होंने होमर के ट्रांसलेशन के दौरान जो अपनी जो ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजी का जिक्र करते हैं, और उनका मानना है कि अनुवाद खासतौर पर कविता का अनुवाद, काव्यानुवाद तभी संपूर्ण होगा जब कथ्य के साथ उसकी शैली, उसकी शिल्प, ओरिजिनल की लेखक की भाषा भी उतनी ही खूबसूरती से अनुवाद होकर आए। अब अगर आपको थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमने जहाँ भी पाठ धर्मी और प्रभाव धर्मी अनुवादों का जिक्र किया था तो यहाँ पर जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं बेसिकली पाठ धर्मी अनुवाद का ही जिक्र कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया के तहत वे मानते हैं कि कविता तभी अनुदित मानी जाएगी, ये कविता तभी, कविता का अनुवाद तभी संभव अनुवाद माना जाएगा जब वे अपने पूरे फॉर्म में अनुवाद होकर आए, उसका कोई एक पक्ष नहीं, वो पूरी तरीके से फुल पैकेज जिसे कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने होमर के जो अनुवाद हुए उनके ट्रांसलेटर्स को या उनके अनुवादकों को या उनके द्वारा किए गए अनुवादों को कभी सराहना नहीं की। तो ये अनुवाद की उनकी अपनी रणनीति या किसी रचनाकार के प्रति उनका जो अपना श्रद्धा भाव या प्रेम है ये उससे भी निर्मित होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काव्यानुवाद के अंतर्गत भी अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग कवियों ने या अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने समय में अनुवाद के दौरान इसका इस्तेमाल किया है। अगर मैं कुछ एक रणनीतियों का यहाँ जिक्र करूँ काव्यानुवाद के संदर्भ में तो हम देखते हैं कि जो, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी जिक्र किया था कि जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य है वो मूलतः काव्यानुवाद का, काव्य रचना का काव्यानुवाद ही है, या कहा जाए कि पद्यगत रचना का पद्यगत अनुवाद ही है, लेकिन वहाँ उनकी रणनीति बदल जाती है जिसका जिक्र सुजीत मुखर्जी अपनी ट्रांसलेशन या डिस्कवरी पुस्तक में करते हैं, और उसे वे न्यू राइटिंग मानते हैं, और जहाँ वे जिसका हम कहें कि अगर हमें छायावाद, छायानुवाद के संदर्भ में कहा कि एक मूल रचना के मूल भाव को पकड़कर एक नई रचना का निर्माण कर देना, जिसे हम अडेप्टेशन के सेंस में भी समझ सकते हैं, अप्रोप्रिएशन के सेंस में भी समझ सकते हैं। तो एक तो ये उदाहरण है जहाँ पर मूल की छाया को लेकर या मूल की छाया मात्र को लेकर अपने समाज और संस्कृति के हिसाब से एक नई रचना का निर्माण कर देना, उसका उसमें छंदगत परिवर्तन करते हुए, उसमें प्रवेशगत या उसकी शिल्प का परिवर्तन करते हुए उसे एक नए तरीके से लिखना और नए तरीके से उस पर चर्चा करना। जैसे बहुत सारे महाकाव्यों पर बाद में किसी एक पात्र को लेकर या किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखे गए खंड काव्य, इसी तरह के आप उदाहरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने एज़रा पाउंड का जिक्र किया तो उनका कहना है कि अनुवाद
कविता के अनुवाद में अगर एक तत्व भी बच जाता है तो वह एक संभव अनुवाद हो सकता है। वहीं मैथ्यू आर्नल्ड कविता के अनुवाद में लेकर एक खास तरह की दृष्टि रखते हैं और उनका मानना है कि कोई भी अनुवाद तभी एक सफल अनुवाद माना जाएगा जब वह अपने संपूर्णत्व में अपने पूर्णत्व में अनुवाद होकर आए, जिसमें किसी भी साहित्यिक रचना के जो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं उसका उसका कहा जाए कि भाव पक्ष और उसका कला पक्ष, यानी उसका कंटेंट और उसका फॉर्म दोनों का अनुवाद हो, तभी वो उसको उसे एक अनुवाद के संदर्भ में समझते हैं। और एक जो अन्य हमारे अनुवाद चिंतक है जिन्हें हम उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद चिंतक भी मानते हैं, आंद्रे लेफेवर, वो अपनी कविता के अनुवाद में जो 6 स्ट्रैटेजीज गिनवाते हैं उसमें वो सभी तरह की बात करते हैं कि अगर कविता के अनुवाद में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, लिटरल ट्रांसलेशन हो, वर्स इंटू वर्स हो, वर्स इंटू प्रोज हो, या किसी भी तरीके से अगर अनुवाद संभव हो सकता है तो उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। तो काव्यानुवाद को लेकर अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं और बताया है कि इनका अनुवाद करते समय अलग अलग तरह की रणनीतियाँ होती हैं और अलग अलग समय में इसको देखा जाता रहा है, क्योंकि उसकी जो भाषा है और भाषा के साथ उसका शिल्प है वो दोनों ही तत्व अपने अपने स्थान पर अलग अलग महत्व रखते हैं। कविता में जो कंटेंट है, जिसकी जिस समय या जिस कल्पनाशीलता या जिस खास एक वृत्ति का जिक्र है, अगर उसका भी अनुवाद अगर संभव है तो वो भी एक काव्यानुवाद के अंतर्गत उसको देखा जा सकता है। दूसरा अनुवाद है कथानुवाद। कथानुवाद के अंतर्गत दोनों ही साहित्यिक विधाओं को लिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कहानी और उपन्यास, यानी कि शॉर्ट स्टोरी और नॉवल, दोनों के ट्रांसलेशन को लेकर बात की जाती है। कथानुवाद, हम जानते हैं कि कथा के तत्व में कथानुवाद में काव्यानुवाद की तरह ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज या समानताएं हो सकती हैं, जैसे कि भाव प्रधान भाषा है, संवादों में भी एक खास तरह का आरोह अवरोह है, एक कल्पनाशीलता है, शब्दों में लक्षणा और व्यंजना या भाषा में जो लक्षणा व्यंजना शक्तियों का प्रभाव है, और भाषा के साथ कहा जाए कि जो एक रचनाकार जो भाषा में जो एक वर्ड प्ले करते हैं या संवादों के साथ या अनुभूतियों के साथ, या कथा या कविता जो उपन्यास जो दोनों ही मानव संवेगों से बुनी हुई रचनाएं हैं, उनमें बिटवीन द लाइंस भी बहुत सारे ऐसे अर्थ छुपे होते हैं जिनका अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। जो आप एक पाठक होने के नाते तो हो सकता है समझ रहे हो, लेकिन अनुवादक होने के नाते आपको उन्हें पकड़ना पड़ता है। तो कथा के अनुवाद को लेकर भी अलग अलग रणनीतियाँ अलग अलग समय पर हुई हैं, और हमने देखा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कथा के अनुवाद हुए हैं, और अनुवादकों से ये मूल रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल दो भाषाओं के ज्ञाता हों, बल्कि जिन दो भाषाओं के बीच का व्यापार या जिन दो भाषाओं के साहित्य का वे आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं अनुवाद के माध्यम से, या एक सांस्कृतिक पुल की निर्मिति कर रहे हैं, उन दोनों संस्कृतियों का भी मूल रूप से उन्हें ज्ञान हो। और वो तभी संभव है जब दोनों संस्कृतियों के बीच रची बसी भाषा को वे केवल भाषाई स्तर पर न जानते हो, अपितु उसके सामाजिक सांस्कृतिक पारंपरिक दृष्टि से उस भाषा की जो निर्मिति है, उसका जो समाज है, उसका जो परिवेश है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हो और उसका पूरा नॉलेज हो, और उसके आधार पर उसका अनुवाद किया जाता है। तीसरे जो एक अनुवाद विधा है साहित्यिक विधा के आधार पर, जिसको जिसे नाटकानुवाद कहा जाता है। नाटकानुवाद में आपको कथानुवाद और काव्यानुवाद दोनों के ही तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाटक भी मूलतः मानव संवेगों से बुनी गई रचना है, जिसमें भाषा का उस तरह ही रचनाकारों द्वारा भाषा से उस तरह ही खेला जाता है, शब्दों के साथ उस तरह ही कहा जाए कि उसमें लक्षणा और व्यंजना भाषा शक्तियाँ उस तरह ही काम करती हैं जिस तरह की कथानुवाद और काव्यानुवाद में करती हैं। हम देख सकते हैं कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं उसकी जो भाषा है उन शब्दों में या उनकी प्रयुक्तियों में जो कहा जा रहा है उससे कहीं अधिक गहरे या जटिल स्तरों पर उसके अर्थ की छवियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो उन विभिन्न अर्थ छवियों को पकड़ने के लिए एक साहित्यकार से या एक कहा जाए कि क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो अनुवादक या अनुवादिका हैं मूल रूप से साहित्य के अनुवादक या अनुवादिका हैं, वे एक तरह से लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए मूल रचनाकार जैसा उनका स्थान होता है, क्योंकि वे ही वो माध्यम है या वे सेतु हैं या जिसे हम कहा जाए कि एक लिंकिंग एक ब्रिज है जो एक नए पाठक वर्ग को या एक नए लिसनर एक नए श्रोता वर्ग को एक अन्य भाषा भाषी समाज एक बिल्कुल उनके लिए अजूबे या अजनबी भाषा भाषी समाज के साहित्य को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस स्तर पर अनुवादिका या अनुवादक की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में जो इस तरह के जो साहित्यिक अनुवाद के जो विभिन्न अर्थ छवियाँ हैं साहित्य की जो विभिन्न अर्थ छवियाँ हैं साहित्य में जो शब्दों की जो विभिन्न या अर्थों की जो विभिन्न तहें हैं उनको पकड़ना
लेखक की मनोभूमि तक पहुंचकर उसके भाव को समझना और उतनी ही सहृदयता से उसका अनुवाद एक नई भाषा में करना, ये अनुवादक से अपेक्षा की जाती है। और नाटक के अनुवाद में जो एक और विशेष तत्व जुड़ जाता है वो यह है कि नाटक केवल एक श्रव्य या उसको उससे केवल पढ़ने की विधा नहीं है, वो मूलतः एक दृश्य विधा है। उसे देखकर उसका ही पूरा उसके लिखित पाठ तक ही केंद्रित ना हो अपितु उसके जो पूरा दृश्य संयोजन है उसको केंद्र में रखते हुए उसका अनुवाद करें। जैसे उसकी अभिनेता है, अभिनेता में जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है संवादों या संवादों की जो डिलीवरी। तो यदि अगर किसी नाटक के संवाद उतने ही चुटीले या उतने ही क्रिस्पी तरीके से अगर अनुवाद उनका नहीं हो पाता है तो वह एक अपने आप में एक असफल अनुवाद माना जाएगा। और उसके अनुवादों के दौरान अनुवादक को न केवल उन शब्दों को अपितु उस दृश्य के माध्यम से जो संवाद अनकहे संवाद जो बुने गए हैं उनको पकड़कर उनको समझते हुए उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक अपनी भाषा में पाठ को तैयार करना होता है। तो हम देखते हैं कि साहित्यिक विधा के आधार पर जिन तीन अनुवाद के प्रकारों के जिक्र किया गया है वे किस तरह साहित्य की विधा में अनुवाद में जोड़ते हैं और ये अनुवाद प्रकारों का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो ये तीन हमने इनकी चर्चा की। उसके आधार पर हम देखते हैं कि विषय के आधार पर भी अनुवाद के प्रकार हैं। ये कह सकते हैं ये मूलतः जो जितने भी प्रकार यहाँ गिनवाए गए हैं, सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद हो, गजेटियरों का अनुवाद हो, पत्रकारिता से संबंधित अनुवाद हो, विधि साहित्य का अनुवाद हो, ऐतिहासिक साहित्य हो, धार्मिक साहित्य हो और ललित साहित्य का अनुवाद हो, तो ये सभी के सभी जो अनुवाद हैं जो ऊपर के हम देखते हैं, सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद, गजेटियरों का अनुवाद, पत्रकारिता से संबंधित अनुवाद और विधि साहित्य का अनुवाद, इन चार को अगर हम देखें तो एक कैटेगरी में रखकर जिसे हम कहते हैं पाठ धर्मीय अनुवाद के संदर्भ में इसको देखा जाता है, या जिसको हम शाब्दिक अनुवाद भी कहते हैं। हमने पीछे के अपने इस सत्र में देखा और समझा कि जो शाब्दिक अनुवाद है, जिस ऐसे अनुवाद में इन जो विषय के आधार पर ये चार प्रकार हैं ऊपर के अनुवाद के, इसमें अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे जो भाषा के या शब्दों के जो एकार्थी जो उसका कंटेंट है उस पर ही उनका फोकस हो और उसका अनुवाद करते समय वो मूलतः एकार्थी रहें, अभिधात्मक रहें और उनसे संबंधित जो विभिन्न कोश हैं, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनके आधार पर उनकी सहायता लेकर ही उनका अनुवाद करें। वहाँ पर अनुवादक या अनुवादिका के पास ये छूट नहीं होती है कि इन पाठों के अलावा जो इनके बीच की जो अर्थ छवियाँ हैं उनको पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर जो मूल रचनाकार है उसकी भी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो जो कहा गया है उसे ही अनुवाद करना को ही हम एक सफल अनुवादक मानेंगे या एक सफल अनुवाद मानेंगे जब वे अपने पाठ के अनुसार अपनी अनुवाद की रणनीति को बदलते हैं। तभी एक सफल अनुवाद हो सकता है जब अनुवादक को ये पता हो कि उनके सामने जो पाठ है उसकी मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है। हम एक साहित्यिक अनुवादक से या साहित्य का अनुवाद करने वाले अनुवादक से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे जो ज्ञानात्मक साहित्य की जो विभिन्न विधाएँ हैं उनका अनुवाद भी वे उतनी ही खूबी से कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद जिसमें कार्यालय अनुवाद या प्रशासनिक अनुवाद या इस तरह के जिसने कहा पत्रकारिता संबंधित अनुवाद या विधि साहित्य का अनुवाद कि जो अनुवादक हैं उनसे ये अपेक्षा करना बेमानी होगा कि वे साहित्य के अनुवाद को भी समझें या साहित्य के अनुवाद या साहित्य की जो बारीकियां हैं उनके जो विभिन्न अर्थ छवियां हैं या जो कहे अनकहे संवाद हैं, अनकही बातें हैं संवाद जो साहित्य के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, या भाषा की जो लक्षणा शक्ति है, व्यंजना शक्ति है, उसको वे समझें और अनुवाद करें। तो हमें ये देखना होगा कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं ये विभिन्न पाठों को ध्यान में रख के इनकी संकल्पना की गई है और ये अपेक्षा की जाती है विभिन्न अनुवाद एजेंसियों से, प्रकाशन संस्थानों से, अनुवादकों से, फ्रीलांसर्स से, मीडिया जगत से या जो हमारा जो मनोरंजन जगत में जो अनुवाद का काम होता है, इन सभी सत्रों सेक्टर्स में या इन सभी क्षेत्रों में जब अनुवाद के काम करवाए जाते हैं तो ये उनसे अपेक्षा की जाती है कि अनुवाद करवाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि अनुवाद करने वाले व्यक्ति का जो खुद का जो अपना एक आस्वाद है, कहा जाए उनकी अपनी रुचि क्या है, तो उसके आधार पर ही अनुवाद के प्रकारों का भी निर्धारण होगा और अनुवाद पाठ के आधार पर उसके अनुवाद के प्रकार भी बदलते चले जाएंगे। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर मूलनिष्ठ अनुवाद, मूल मुक्त अनुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, रूपांतरण, व्याख्यानुवाद और छायानुवाद, इसमें से कुछ प्रकारों की चर्चा हम अलग अलग रूप से कर चुके हैं, कुछ पर हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो अनुवाद की प्रकृति के आधार पर जो अनुवाद के जो अलग अलग
भागों में बांटा गया है अनुवाद के प्रकारों को, वे सब अलग अलग अनुवाद जो जो इसके जो हिस्से हैं, जिसमें विषय के आधार पर या हमने पीछे वर्गीकरण के आधार पर जब अनुवाद को पढ़ा, विधा या प्रकृति के आधार पर जब अनुवाद को पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से खाली वही अनुवाद के जो प्रकार हैं, किस प्रकार अनुवाद की प्रकृति या उसके वर्गीकरण के आधार पर वो अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो मूलनिष्ठ अनुवाद, जहाँ अनुवादक की या पाठ की या अनुवाद एजेंसी की या जो प्रकाशन संस्थान है उनकी जो जो रणनीति है या उनकी जो डिमांड है, उनका जो अपना एक कहा जाए कि उनका जो अपना उद्देश्य है उस पर निर्भर करता है। और उसमें मूलनिष्ठ अनुवाद से संदर्भ हुआ कि जब अनुवाद करते समय मूल के प्रति निष्ठा अधिक हो, जब मूल पाठ केंद्र में हो, जिसको हमने पाठधर्मी अनुवाद के संदर्भ में भी समझा और हमने पूर्ण अनुवाद के संदर्भ में भी समझा जब हमने एक जगह पूर्ण और आंशिक अनुवाद की चर्चा की। तो मूलनिष्ठ अनुवाद जहाँ ये इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि शाब्दिक अनुवाद के संदर्भ में से अगर हम समझें कि जहाँ वाक्य विन्यास, इसमें भी हम दोनों को देख सकते हैं, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद और शाब्दिक अनुवाद, जहाँ वाक्य विन्यास के आधार पर केवल वाक्य विन्यास ही कहा जाए कि लक्ष्य भाषा का अनुसार हो और बाकी जो उसका जो पूरा कंटेंट है, उसकी जो पूरी व्यवस्था है या उसका जो पूरा पाठ है वो मूल केंद्रित हो, यानी कि अनुवाद करते समय मूल को केंद्र में रख के ही अनुवाद किया जा रहा हो। दूसरा है मूल मुक्त अनुवाद, यहाँ इसको हम भावानुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं, जहाँ सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की बात की जाती है। और मूल मुक्त अनुवाद में अगर हम देखें तो इसके अंदर हम कुछ छाया अनुवाद या अनुकूलन को भी देख सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि अंदर लेफेवर जिस तरह अनुसृजन जैसे जिसे वो रीराइटिंग कहते हैं, या सुजीत मुखर्जी जिसे न्यू राइटिंग या नव सृजन कहते हैं, उसे हम मूल मुक्त अनुवाद के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, जहाँ मूल अनुवाद करते समय मूल के प्रति कुछ अधिक निष्ठा न होते हुए वो निष्ठा पाठ के प्रति बदलती चली जाती है और उसके अनुवाद के अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम देखते हैं अलग अलग फॉर्म्स। इसके अतिरिक्त शब्दानुवाद पर हमने पीछे चर्चा की थी, शब्दानुवाद यानी वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद करते समय अनुवाद की जो इकाई है वो मूलतः वाक्य हो और मूल के नज़दीक का अनुवाद, जिसे कहा जाए कि शब्द का शब्दानुवाद किया जाए, जो मूलतः हम देखते हैं कि जो अभिधात्मक अनुवाद होता है और जो खासतौर पर ज्ञानात्मक साहित्य में जिसका प्रयोग किया जाता है। भावानुवाद जो साहित्य के संदर्भ में किया जाने वाला अनुवाद है, हम इसके उदाहरण पीछे देखकर आए हैं, पीछे के सत्र में भी हमने देखा कि जो भावानुवाद है वो मूलतः साहित्य के संदर्भ में किया जाने वाला अनुवाद है और ख़ास तौर पर कविता के संदर्भ में और मुहावरों लोकोक्तियों की प्रयुक्तियों के संदर्भ में ऐसे अनुवाद का सहारा लिया जाता है, जहाँ अनुवादक या अनुवादिका शब्द के प्रति निष्ठावान न होकर भाव के प्रति निष्ठावान हो और अनुवाद करते समय अनुवाद की इकाई शब्द या वाक्य न होकर पाठ का भाव हो। कई बार वह अनुच्छेद भी हो सकता है, कई बार वाक्य भी हो सकता है और कई बार वो पूरा एक पाठ भी। तो ये भाव अनुवाद मतलब जब आपके अनुवाद के केंद्र में भाव केंद्र में हो। इसके अतिरिक्त सारानुवाद, रूपांतरण, व्याख्यानुवाद और छायानुवाद। सबसे पहले मैं छायानुवाद का जिक्र एक बार फिर से ब्रीफ में करूँगी कि वह अनुवाद जिसमें केवल छाया मात्र लेकर, मूल की केवल छाया मात्र लेकर उसका अनुवाद किया जाता है, और जैसे हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस का उदाहरण दिया, या भक्ति काल के दौरान में जो राम कथा पर लिखे जो अलग अलग साहित्य हैं, या श्रीमद् भागवत पर लिखे जो अलग अलग जो अन्य भाषाओं में लिखी हुई जो रचनाएं हैं, वो एक तरह से हम छाया अनुवाद के संदर्भ में उसे समझ सकते हैं। अब जो तीन महत्वपूर्ण प्रकार है जिनका जिक्र पीछे के सत्र में भी नहीं हुआ, वह है सारानुवाद, रूपांतरण और व्याख्यानुवाद, जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सारानुवाद ये अनुवाद की प्रकृति के आधार पर ही एक अनुवाद है, जिसका हमने अभी चर्चा की थी। सारानुवाद मूल की मुख्य बातों का मूल मुक्त अनुवाद होता है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण यह है कि मूल पाठ का एकाधिक पठन करने के उपरांत ही मूल अर्थ को इसमें ग्रहण किया जाता है। मूलतः अगर आप इसके शब्द पे जाएं तो इस शब्द का ही अर्थ है कि पाठ का पूरा अनुवाद न करते हुए केवल उसके कहा जाए उसके जिस्ट को लेना, इसे हम जिस्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं, उसमें केवल इतना पाठ को लेना जिससे कि आपका भाव संप्रेषित हो जाए। इस तरह का अनुवाद जो किया जाता है वह मूलतः कह सकते हैं कि जब हमारे पास या जिसके ऐसी संस्थाओं में ऐसी जगहों पर जहाँ पूरे पाठ को पढ़ने की अपेक्षा ना हो या पूरे पाठ को पढ़ने का समय ना हो, ऐसी स्थिति में सारा अनुवाद का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर अनुवाद करते समय मूल पाठ के का जो मेन जो कंटेंट है, जो कहा जाना है, जो मूल तत्व है, उसको लेकर उसका एक जिस्ट तैयार करना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना, इसको हम सारानुवाद कहते हैं। इसमें केंद्रीय विचार को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व
और एक तरह से कहा जाए कि चुनौती है उस अनुवाद में, या उसकी क्षमता और सीमा दोनों है, वह ये कि वो कम से कम शब्दों में अपनी बात को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, लेकिन उसके साथ उसकी चुनौती ये है कि अनुवादिका या अनुवादक से अगर इस तरह की कोई चूक हो जाए कि वे सारा अनुवाद करते समय कोई मूल ऐसी चीज़ या कहा जाए कि एक ऐसा ऐसा जो फैक्ट या ऐसा कोई तथ्य अनुवाद के दौरान छोड़ दे, तो वो अनुवाद न केवल विफल होता है बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं होता। जैसे हमने पीछे के संदर्भ में भी समझा कि आंशिक अनुवाद या जिसे हम परिसीमित अनुवाद कहते हैं, उस संदर्भ में भी इसे समझा जा सकता है कि जहाँ पर अनुवाद पूरा न करके उतना ही किया जाए या उतना ही लिया जाए जितने की आवश्यकता है। यह संक्षिप्त, अति संक्षिप्त, अत्यंत संक्षिप्त आदि कई प्रकार का होता है। ये ज़रूरत के हिसाब से तय होता है कि इसमें से कितने कंटेंट को लिए जाने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में हमारा जो मेन पर्पस है, हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमें इसमें से कितना ग्रहण करना है, उस आधार पर उनको चुन लेना, उस आधार पर ही इसे हम संक्षिप्त, अति संक्षिप्त और अत्यंत संक्षिप्त आदि कई प्रकार से बांट कर देख सकते हैं। इनका प्रयोग न्यायालय द्वारा दिए गए लंबे निर्णयों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वक्तव्यों और प्रशासनिक एवं संसदीय मामलों के सार इसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मूल पाठ का सावधानी पूर्वक पठन तथा केंद्रीय भाव को बनाए रखने की चुनौती होती है। जैसे मैंने कहा कि इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती या चैलेंज या इसकी जो एक लिमिटेशन है वह ये है कि इसमें अगर कहीं मूल पाठ का जिस तथ्य को या जिस फैक्ट को ले जाने की अपेक्षा और वो छूट जाता है तो एक न केवल विफल अनुवाद होगा अपितु इसके कारण कहा जा सकता है कि बड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है या कोई जानकारी आधी अधूरी भी जा सकती है। दूसरा है व्याख्या अनुवाद। ये ठीक उससे उलट है। सारा अनुवाद में जहाँ बड़े टेक्स्ट को कंसाइज किया जाता है, उसे छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्याख्या अनुवाद में इसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा व्यापक रूप से प्रस्तुत करते हैं ताकि उसे ज़्यादा एक्सप्लेन, जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा आसानी से समझाया जा सके। इसमें मूल पाठ का व्याख्यात्मकता के साथ अनुवाद होता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें संस्कृत श्लोकों या सूत्रों पर जो भाष्य और टीकाएँ आदि लिखी गई हैं वे सभी की सभी एक तरह से व्याख्या अनुवाद के उदाहरण हैं, जहाँ पर आप इस तरह इसको देख सकते हैं कि एक जटिल पाठ को सरल भाषा में लिखा जाना और उसे एक्सप्लेन करके लिखना, जिसे हम, अगर आपको याद हो तो हम, जैसे हमने जैकबसन की जो अनुवाद के तीन सिद्धांत हैं या अनुवाद के जो तीन प्रकार हैं, जिसमें से पहला जिसे अन्वयांतर कहते हैं या जिसे इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं, ये बेसिकली उसी के उदाहरण हैं जिसके तहत आप एक ही भाषा में लिखे गए पाठ को उसी भाषा में पुनः प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करते समय उसकी अगर व्याख्या करते हैं या उसे सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो आप इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। तार्किक संयोजनों में अनेक ऐसे प्रसंग जोड़े जाते हैं ताकि मूल के निहितार्थ को स्पष्ट किया जा सके, हालांकि इसमें मूल लेखक के वक्तव्य का ह्रास होने की संभावना भी बन जाती है। हर प्रकार का जो भी अगर हम यहाँ जिक्र करें तो इन अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं इनकी अपनी जो खास जो उनकी उपयोगिता है उसके साथ कुछ खास इनकी सीमाएँ भी हैं। उपयोगिता तो पाठ की ज़रूरत के हिसाब से तय होती है, लेकिन सीमा के साथ ये है कि अगर कई बार जितना कहा जा रहा है उससे ज़्यादा अगर उसकी व्याख्या हो जाती है तो वो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे संस्कृत के बहुत सारे सूत्र वाक्य हैं, उन सूत्र वाक्यों को जब हम अनुवाद करते हैं या उनकी जब व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में ऐसा ना हो कि जो कहा गया उससे ज़्यादा भी उसकी व्याख्या हो जाए। रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के महत्वपूर्ण चिंतक हैं, भाषा के महत्वपूर्ण चिंतक हैं, उन इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने यहाँ अपने लेखन में बहुत छोटे छोटे सूत्र वाक्यों का प्रयोग किया है और उन सूत्र वाक्यों की खुद ही व्याख्या भी की है कई बार। और कई बार जब हम पाठक होने के नाते या अनुवादक होने के नाते या एक साहित्य के ज्ञाता होने के नाते जब उसको हम अध्ययन करते हैं तो उसकी जो हम व्याख्या करते हैं तो वो एक तरह से व्याख्या अनुवाद का ही उदाहरण है। संस्कृत के दर्शन ग्रंथों तथा लोकमान्य तिलक के गीता अनुवाद के कुछ अन्य निदर्शन इसी प्रकार के अनुवाद के उदाहरण हैं। वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में वर्णनात्मक शैली भी इसी का उदाहरण। तो हम देखते हैं कि मूलतः ये इस तरह का साहित्य जो अपने किसी अपने शिल्प में या अपनी प्रस्तुति में जो एक तरह से कॉम्प्लेक्स लिटरेचर है उसको सरलीकरण करना या उसे सरल रूप से प्रस्तुत करने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। और एक जो अन्य प्रकार है वह अंतिम प्रकार जिसका हम जिक्र करेंगे अनुवाद की प्रकृति के आधार पर, वह रूपांतरण, जिसे अंग्रेजी में अडेप्टेशन कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि अडेप्टेशन आज की तारीख में फिल्मों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से हमें इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। रूपांतरण का अर्थ है स्रोत भाषा के पाठ के रूप को बदलना।
अगर हम जैकबसन के संदर्भ में अगर इस पर चर्चा करें तो जैकबसन ने अंतर प्रतीकात्मक यानी इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन की जहां बात की है, वहां उसका अर्थ यही है कि भाषा के प्रतीक का किसी अन्य प्रतीक में रूपांतरण करना, उसका अंतरण करना। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ शरद चंद्र की रचनाओं पर, शेक्सपियर की रचनाओं पर, या तोल्स्टॉय की रचनाओं पर, चेखव की रचनाओं पर, प्रेमचंद की, राजेंद्र यादव या बहुत सारे हिंदी के और अंग्रेजी और अन्य भाषा भाषी रचनाकारों की कहानियों पर या उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं या नाटक बने हैं या इस तरह की जो नई साहित्य विधाएं का जो निर्माण हुआ है उसे हम अडैप्टेशन के सेंस में देखते हैं और अडैप्टेशन के सेंस में समझते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कविताओं की पंक्तियों पर गीत बने, हमारे सामने भी ऐसे फैज़ के बहुत सारी गज़लें हैं जिन पर गीत बने, गालिब के शेरों का इस्तेमाल गीतों में हुआ, फिल्मी गीतों में हुआ, या इन पंक्तियों का उदाहरण का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया, जैसे हम गीतों की पंक्तियों पर बने हुए विज्ञापन के भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसे हम रूपांतरण के संदर्भ में देखते हैं और किस तरीके से हम सब ने देखा है अपने बचपन से लेकर आज तक कि पंचतंत्र की कहानियों के किस तरीके से नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किए गए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जिनको हमने नाटक के रूप में देखा, रामायण जो राम कथा है जिसके मूल रचनाकार वाल्मीकि हैं, उसके अलावा जो लगभग अन्य भाषाओं में लिखा गया उसका भी एक रामायण के रूप में जो हमने टीवी का प्रस्तुतिकरण देखा और इसके बहुत सारे अलग अलग रूप बने जिसमें कथा के परिवर्तन के साथ या शिल्प के परिवर्तन के साथ या पाठक या दर्शक की रुचि के हिसाब से उसको बदला गया। तो हम इस तरह देखते हैं कि रूपांतरण के बहुत सारे प्रकार हैं और बहुत ही आज की तारीख में अनुवाद एक बहुत ही चर्चित विधा है। रूपांतरण भी दो प्रकार से होता है, एक पाठ से पाठ, जैसे कि हम कहें कि प्रेमचंद का नाटक कहानी का नाटक में परिवर्तन करना, लिखित पाठ का लिखित पाठ में करना, लिखित स्वरूप में करना, या कहानी पर उपन्यास पर छोटी कहानी का निर्माण कर देना, या कहानी पर एक छोटा सा किसी अन्य विधा में लिख देना। तो जब पाठ का पाठ यानी टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब रूपांतरण हुआ, अडेप्टेशन हुआ, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन। और दूसरा पाठ से मंच यानी टेक्स्ट टू स्क्रीन, यानी जिसका मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए जो स्क्रीन के लिए बहुत सारे अडेप्टेशन हुए और बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे नाटक या बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी ऐसी क्लासिक रचनाएं जो हमने पढ़ी नहीं है लेकिन टीवी के माध्यम से या थिएटर के माध्यम से जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है उन सबको हमने रूपांतरण के माध्यम से देखा। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं ये किस प्रकार इसको अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया और इसमें अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं वे किस तरह अलग अलग स्ट्रैटेजी के हिसाब से या अनुवादक अनुवाद चिंतकों या प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।